तो दोस्तों इस समय खेसारी लाल यादव के जितने भी गाने रिलीज किए जा रहे हैं वो सारे गाने फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। अच्छा जब जब दोस्तों खेसारी लाल यादव का सारे गामा भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कोई गाना आता है तब तब दोस्तों एकदम बवाल मचा देता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब खेसारी लाल यादव का किसी दूसरे चैनल से गाना आता है तो पूरा मूड खराब करके रख देता है। सारे गामा भोजपुरी वाले हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वही दूसरे चैनल वाले वही घिसा पीटा हमेशा अपलोड कर देते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? जिसका असर ये पड़ता है दोस्तों कि खेसारी लाल यादव के फैंस को खेसारी लाल यादव का गाना पसंद नहीं आता है और खेसारी लाल यादव का गाना फ्लॉप हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों ऐसे में खेसारी लाल यादव का एक और गाना रिलीज किया गया है जिस गाने का नाम है ललका टी शर्टवा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों यह गाना अन्नपूर्णा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है, जिसके कर्ता धर्ता कौन है इसको तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो दोस्तों इस चैनल के कर्ता धर्ता अखिलेश कश्यप हैं, जो दोस्तों खेसारी लाल यादव के बहुत ही करीबी राइटर हैं। अच्छा और यहीं तक नहीं दोस्तों, अखिलेश कश्यप की छांव में जब से खेसारी लाल यादव आए हैं तब से विवाद करना इन्होंने चालू कर दिया है, और खेसारी लाल यादव हमेशा विवाद कर करके आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। हे भगवान, मतलब हम क्या बताएं यार। तो दोस्तों छोड़िए इन सब बातों को और अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव का यह गाना जिस गाने का नाम है ललका टी शर्ट, यह बहुत ही बढ़िया गाना है, इस गाने को आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। बदल लिया साला। तो दोस्तों इस गाने को लिखा है अखिलेश कश्यप ने और इस गाने के लिरिक्स में दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी अश्लील शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दोस्तों यही चीज इस गाने को बहुत ही खास बनाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस गाने में कोई असली शब्द तो नहीं है, लेकिन वही हमारे इस गाने की हीरोइन जिनका नाम है यामिनी सिंह, इन्होंने दोस्तों इस गाने में बहुत ही अच्छा अच्छा सीन दिखाया है और बहुत ही अच्छा अच्छा पोज दिया है। दोस्तों इनके लिए तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना बनता है। तो दोस्तों अगर हम इस गाने की स्टोरी की बात करें तो दोस्तों इस गाने की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि इस गाने का हीरो यानी कि हमारे खेसारी लाल यादव, ये दोस्तों पढ़ाई लिखाई में एकदम डूबे रहते हैं और एक खास चीज दोस्तों, खेसारी लाल यादव के ऊपर लाल टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको देखकर हमारे इस गाने की हीरोइन जिनका नाम है यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव को अपना दिल दे बैठती है और इनको अपने गली में बुलाने लगती है। बस इतनी सी ही दोस्तों इस गाने की स्टोरी है और दोस्तों यह स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो दोस्तों अब आता है क्रेडिट देने की बारी। तो दोस्तों इस गाने को लिखा है अखिलेश कश्यप ने और इस गाने को गाया है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने, और वहीं दोस्तों इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर है आर्या शर्मा और इस गाने के वीडियो डायरेक्टर है आशीष सत्यार्थी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही भोजपुरी वीडियो लेकर आते रहें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।